हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका होस्ट गौरव कुमार मेहता और स्वागत करता हूँ नो डिस्टर्ब्स के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में और उसके आंसर मैं दूंगा। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो है फैक का, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें मैं चुनिंदा 10-15 क्वेश्चंस को शामिल करने वाला हूँ और जिसका आंसर मैं बहुत ही क्लियर कट तरीके से दूंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए, है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट और जो क्वेश्चंस के आंसर है मैं आप सभी लोग को लाता रहता हूँ और जो भी डाउट है आपको क्लियर करते रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि होक इनू हॉट बिट पे सेल नहीं हो रहा है, एनी आइडिया प्लीज रिप्लाई। तो अभी क्या हुआ कि जैसे जो भी क्वाइन है उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, जैसे इथरम से, या फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है BSC पर, तो कुछ टाइम के लिए जो है क्वाइन का डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब रोक दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप हॉट बिट पर उसका अगर ग्राफ देखेंगे तो भी कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब पूरा जो है उस क्वाइन को इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो आप 24-48 घंटे का वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा आपको हार्ट बीट पर उसका जो है ग्राफ और रेट फ्लक्चुएशन दिख जाएगा, उसके बाद आप सेल भी कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है हर्ष लकी सरानी का, मैं तो बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, पहले शो हो रहा था अभी नहीं दिखा रहा। तो ये उनका क्वेश्चन है क्वाइन DCS का, जो माई इन्वेस्टमेंट ऐप है उसके ऊपर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ कुछ लोगों में जो है माई इन्वेस्टमेंट ऐप में प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है, कुछ लोगों में नहीं दिखा रहा है। तो इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि कंपनी जो है जितने भी यूजर्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लोगों को एक क्वी बना के रख लिए, एक लाइन में सभी हैं और वेट लिस्ट में सभी हैं। जैसे जैसे उनका वेट लिस्ट ओवर होता जाएगा आपके जो टैब इन्वेस्टमेंट टैब में भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चालू कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि MD फौरत आलम जियो सिम के लिए क्या करें। इनका क्वेश्चन है पाई में जो मोबाइल वेरिफिकेशन है उसके ऊपर का। तो आपको बता दूं कि मैंने अभी 3 से 4 लोगों का वेरिफिकेशन किया है, जिन लोगों का सिम आइडिया था, एक का जियो भी था। उस पर आपको करना क्या है कि मेन बैलेंस डाल लेना है, उसके बाद जैसा वहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से उस नंबर पर जो भी वेरिफिकेशन कोड रहता है उसको डाल के मैसेज कर देना है। किसी किसी केस में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, कभी कभी नहीं हो पाता है, तो आप ट्राई करते रहिए आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है कैन ऐड इंग्लिश सबटाइटल। तो हमारे एक यूजर जिनका नाम है प्रणव हरी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि क्या आप वीडियो में सबटाइटल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अभी के टाइम में मेरे लिए सबटाइटल लगाना मुश्किल है, क्योंकि है ना मुझे मतलब दिक्कत होता है इस चीज़ को करने में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फ्यूचर में ज़रूर मैं सबटाइटल जो है लाऊंगा, ताकि जो भी हमारे इंग्लिश यूज़र हैं उनको हमारे वीडियो समझने में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरसलान सिद्दीकी की जगह, है ना। आफ्टर परचेस ETF एनी क्वाइन हाउ एंड वेन वी विल सेल देम, शुड वी सेट एनी टारगेट एंड पुट ऑन ऑटो सेल। तो अरसलान जी, आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर, है ना। आपके हिसाब से जैसा भी आपको प्रॉफिट निकालो उसके हिसाब से आप ऑर्डर सेट भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि उसे कब तक वहाँ पर रखना है। फिर भी ETF में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड है। कोशिश कीजिए कि आप जो है मेन ट्रेडिंग में ही बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन झा जी का, व्हाट इज पासवर्ड ब्रो, वी हैव टू कीप और व्हाट इट इज शोविंग रॉन्ग पासवर्ड। तो अगर आप क्वाइन DCX यूजर हैं और पहली बार आप किसी भी क्वाइन को यहाँ से ट्रांसफर करें किसी अदर एक्सचेंज पर, तो आपको फर्स्ट टाइम जो है विड्रॉल पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा, ठीक है। पहले आप नहीं बनाए रहते हैं, पहले सिर्फ लॉगिन पासवर्ड ही बनता है। उस समय आपको क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड बन गया एक बार, उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो उसके 24 घंटे बाद जो है आपको ट्रांसफर करने का परमिशन वहाँ से मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है सौरभ सिंह जी का, वो पूछते हैं बाय बिट में बताओ सर। तो सौरभ जी, है ना,
बायबिट पर मैं वीडियो लाऊंगा। मेन चीज़ क्या है इस पे लाइन नहीं लाने का रीज़न क्या है ना कि थोड़ा सा इसमें जो क्वाइंस है क्वाइंस का लिस्टिंग थोड़ा कम है, और जो पोटेंशियल क्वाइन है जिनका रेट कम है ऐसे ऐसे क्वाइन आपको यहाँ पर नहीं मिल पाते, इसलिए मैं बायबिट पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। फ्यूचर में इस पर वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, आपका रिक्वेस्ट मैंने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो गेमर्स, ट्रांसफ़र करने पर सबसे कम चार्ज कौन सा क्वाइन पे लगता है? यूएसडीटी, एक्सएलएम और ट्रॉन और एटसेट्रा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने लिखा है यूएसडीटी, एक्सएलएम और ट्रॉन। तो सबसे अच्छा जो क्वाइन है ट्रांसफ़र करने के लिए वो है दोस्तों ट्रॉन। जैसे ये मान चलिए कि क्वाइन डीसी से हम ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो एक ट्रॉन काटता है, एक ट्रॉन का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपया या 7 रुपया 9 रुपये के बीच होता है, ठीक है। उसी साथ अगर यूएसडीटी की बात करें तो यूएसडीटी 70 रुपये 80 रुपये का है और एक्सएलएम भी जो है 20 30 रुपये का है। तो सबसे बेटर है कि आप जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रॉन ही यूज़ करें, ये क्या है फास्ट भी है और इसमें जो है झंझट भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राज मल्होत्रा जी का, वो लिखते हैं भाई मेरा विड्रॉल होल्ड में चला गया है, क्या होगा अब? ट्रॉन को वाजिर एक्स में भेज रहे थे क्वाइन डीसीएक्स से, प्लीज़ हेल्प। तो राज जी आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप मान चलिए कि कोई भी क्वाइन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और अगर तुरंत वेरीफाई नहीं होता होल्ड पे चले जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 4 से 5 मिनट में अगर नहीं होता है तो आपका 3 से 4 घंटे में ये ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजस्वी सौरभ जी का, लिखते हैं विड्रॉल पासवर्ड में क्वाइन डीसीएस का पासवर्ड डालेंगे? नहीं, विड्रॉल पासवर्ड अलग होता है, जब आप कोई भी क्वाइन विड्रॉ करने जाएंगे तो फर्स्ट टाइम आपको बनाने को बोला जाएगा, वहाँ पर आपको विड्रॉल पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद अगले दिन जो है क्वाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड अलग होता है और विड्रॉ पासवर्ड अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल सौ जी का, ये लिखते हैं कितना टाइम लगता है ट्रांसफ़र होने में? तो पहले भी आपको बताया कि अगर वहाँ पर सर्विस ठीक रहता है तो 4 से 5 मिनट में कोई भी कॉइन ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर होल्ड पे चला जाता है तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाउ मच टाइम कॉइन ट्रांसफ़र टेक्स वाजीरेक्स कॉइन डीसीएक्स। तो सेम क्वेश्चन है, वही आंसर रहेगा, 4 से 5 मिनट हो जाता है अगर होल्ड पे जाता है, तो आप वेट कर लीजिए, 5 से 6 घंटे भी कभी कभार लग जाते हैं होल्ड के सिचुएशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनू सर का, सर आई ट्राई टू ट्रांसफर ट्रॉन फ्रॉम वाजीरेक्स टू हॉटबीट बट आई कांट विड्रॉ ट्रॉन फ्रॉम वाजीरेक्स, विड्रॉ एंड डिपॉजिट आर टेम्पररी पॉज ड्यू टू मेंटेनेंस आ रहा है, क्या करूँ? प्लीज हेल्प मी सुन, माई क्वांट इज 52 ओनली। तो ऐसा जब भी दिखा रहा होता है मोनू जी, तो होता क्या है कि कोई भी क्वाइन जो है एक मेंटेनेंस के ऊपर चलता है, कई बार अगर किसी क्वाइन में कुछ अपडेट लाना रहता है तो उसको जो है मेंटेनेंस पर डाल दिया जाता है, जिससे लोग डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर पाए और लोगों का जो है क्वाइन जो है फंसे नहीं। तो आप वेट कर लीजिए, कुछ समय बाद जो है मेंटेनेंस ओके हो जाता है तो उसके बाद इसका डिपॉजिट और विड्रॉ चालू हो जाता है, तो आपको बस वेट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मयंक अरोरा, व्हाट टू फिल इन डेस्टिनेशन टैग इन वजीरेक्स प्लीज टेल। तो इन्होंने पूछा है कि जो वजीरेक्स रहता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डेस्टिनेशन टैग में क्या डालना है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सचेंज में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान चलिए आप क्वाइन डीसीएक्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं बीएनबी, तो वहाँ पर दो चीज़ आपको मिलता है, पहला है ना, पहला दिखाई देगा आपको उसका एड्रेस और दूसरा रहता है डेस्टिनेशन टैग। तो डेस्टिनेशन टैग को आपको वाजीरेक्स में पेस्ट कर देना है और एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। डेस्टिनेशन टैग बेसिकली क्या है, हर कॉइन में नहीं मांगता बट जिसमें मांगता है उसमें आपको मैंडेटरी है डालना, अगर नहीं डालते हैं तो कॉइन आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हार्टबीट से अपने फंड को अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें, प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो लिखे हैं हार्टबीट से कैसे फंड को ट्रांसफ़र करना है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, हॉटबिट में जो भी कॉइन आपने बाय करके रखा है उसे सबसे पहले सेल कीजिए ताकि वहाँ पर यूएसडीटी में बैलेंस आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपको जो भी यूएसडीटी बैलेंस है उससे आप ट्रॉन खरीद लीजिए। ट्रॉन खरीदते हैं उसके बाद आपको कोई इंडियन एक्सचेंज आपको सोना चाहिए, जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया, वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच क्यूबर हो गया, दो तीनों में से कोई सा भी एक्सचेंज में से ट्रॉन का एड्रेस डिपॉजिट एड्रेस आप कॉपी कीजिए और यहाँ से जो है
वॉट बिट से ट्रांसफ़र कर दीजिए, वहाँ पर ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आप जो भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किए वहाँ पर उसको सेल कीजिए, बैलेंस कन्वर्ट हो जाएगा INR में, फिर आप उसको बैंक विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल क्वेश्चंस जिसको मैंने सोचा कि बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन अनएंसर्ड थे, है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने अलग अलग जगह से भी उठाए हैं ताकि आप लोग को भी है आप लोग को भी ये सब दिक्कत होता है तो ये सब जो इसका डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो फैक्ट सेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, FAQ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गौरव गौर मेहता का नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।